तो दोस्तों अभी हमारा हम लोग आके पहुंच गए हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है जॉर्ज एवरेस्ट पीक, जो कि 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अभी हम लोग पूरा ऊपर जाएंगे 1.5 किलोमीटर, वहाँ से पूरा टॉप से ये व्यू दिखाएंगे। ये वन ऑफ द टॉप पीक है, टॉप पॉइंट है मसूरी का, जो कि आप लोग पूरा एक्सपीरियंस करोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग साथ रहो, देखते रहो। अभी पूरा जर्नी पूरा अभी कैसे ऊपर तक जाएंगे सब कुछ। और प्रतीक थोड़ा टायर्ड हो गया है, उसका सांस फूल रहा है, तो वो थोड़ा रेस्ट ले रहा है। अभी चलेंगे पूरा साथ में, अभी ट्रैक करेंगे। प्रतीक बोल रहा है जो जॉर्ज जिसका नाम है वो शायद चोरी करके हिल के टॉप पे छुप रहा था, इसलिए अभी पूरा ये इतने ऊपर उसका नाम में एक पिक किए। तो अभी जाएंगे वहाँ पे ऊपर तक। हमारे गाड़ी को अलाउ नहीं किए, मतलब वहाँ पे नीचे किसी के गाड़ी को अलाउ नहीं कर रहे, ये शायद कोई उनका आदमी होगा। हाँ, मैं भी वही बोल रहा था कि इसको कैसे अलाउ कर दिया, हम लोग को तो एंट्री नहीं दिए, वहाँ पार्किंग पे गाड़ी रखे है। चलो अभी देखो, ये वाला जो रास्ता गया हुआ ना, ये पूरा ऊपर तक गया हुआ है, 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, लोकल पीपल को छोड़ रहे हैं, नाइंसाफ भी कर रहे हैं हमारे साथ। हाँ, वही शायद लोकल पीपल को छोड़ दे रहे हैं, और जो टूरिस्ट है उनको पैदल ट्रैक करना पड़ रहा है। और दोनों तरफ जंगल है, देख नेचुरल, ये ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं इसी बारे में। हाँ, यहाँ पे जितने भी सब दिल्ली में जो पोल्यूटेड एयर लिए थे ना, यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन भर भर के ले रहे हैं अंदर, ताकि हमारा वगैरह पूरा प्योर हो जाए। ये ऑक्सीजन का पेड़ दिखा दे थोड़ा, सारे पेड़ जूम क्या करके दिखाऊं, ये वाला पेड़ थोड़ा ज्यादा दे रहा है, ये वाला स्पेशली ज्यादा दे रहा है ना। अच्छा, चल अभी चलते हैं आगे, चल और आगे जाके पूरा ट्रैक करके दिखाएंगे इन सबको। 2 मिनट का रेस्ट खत्म हो गया, अभी चलो ट्रैक में फिर से शुरू करते हैं, पूरा आपको दिखाएंगे। कुछ अगर एक्साइटेड वाला चीज़ मिला तो आपको दिखाएंगे, व्यू वगैरह सब कुछ। चलो, व्यू ज़बरदस्त व्यू मिलेगा इतना तो श्योर हूँ, और उसके लिए थोड़ा आप वीडियो देखते रहो। चलो आगे देखो, सर जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क, जो कि और 700 मीटर ऊपर है। वैसे ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसलिए थोड़ा सांस भी फूल रहा है, आप लोग सुन मतलब फील कर पा रहे होगे हमारे बात करने के तरीके से। मतलब ज़्यादा अभी 700-800 मीटर ही ट्रैक किए हैं, तब भी मतलब इतना जैसे लग रहा है कि हम लोग पूरा टायर्ड हो गए हैं, ज़्यादा नहीं। और 20-15 मिनट का ट्रैक बचा होगा, जल्दी जल्दी कंप्लीट करके ऊपर पहुंच के आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। बहुत ही शानदार व्यू दिखता है जितना सब बोलते हैं। मेन रोड पे हम लोग चलते हैं, ये नया प्लेस है, ज़्यादा अंदर फंदर जाने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या क्या एनिमल वगैरह रहते होंगे, तो हम लोग यही स्ट्रेट रास्ते में चलते हैं। चलो, अभी दिन के 1 बजा है, तब भी मतलब क्लाइमेट पूरा सुपर्ब है, मतलब इतना शानदार क्लाइमेट है ना, क्या बोलूँ, मतलब मज़ा आ रहा है। मतलब अंदर से टायर्ड फील हो रहा है, सांस फूल रहा है, पर बाहर से बहुत ही जान मतलब रिफ्रेशिंग लग रहा है। हम तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये क्लाइमेट पूरा पुश कर रहा है हमको कि जाओ टॉप पे पहुंचो जल्दी जल्दी, वो सपोर्ट कर रहा है पूरा क्लाइमेट। और पीछे प्रतीक पूरा थक के पानी पानी पीने लगा है, पी ले जी, रिफ्रेश हो जा। और भी 500 मीटर के आसपास ट्रैक बचा है, जितना रिफ्रेश होके चलेगा उतना सही है। चल ऊपर चल के पूरा बात करेंगे, आराम से बताएंगे इस जगह के बारे में अच्छे से थोड़ा। चलो, ये जो पीक है सर जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क है, ये 1832 में बना था, एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है मसूरी का। बाकी ये वही सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसको डिस्कवर किए थे, और अपने ही नाम से ये वाला जगह का नाम भी रख दिए 1832 में। वो सर्वेयर
जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे थे इंडिया में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। यही इसका हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। हम भी सर्वे करके हमारा नाम रख देते हैं। हाँ वही सही रहेगा, कुछ एक जगह डिस्कवर कर ले और अपने नाम में रख ले। बात तो सही है। पर वो भी वैसे ही था ना, वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था। हम लोग तो अभी कुछ बने नहीं है, जब अभी छोटे से एक्सप्लोरर हैं। जब कुछ बन जाएंगे तब जरूर जगह डिस्कवर करके भास्को डा गामा के जैसे बनेंगे। अपने जगह नाम से जगह का नाम भी रखेंगे। दोस्तों ये देखो एवरेस्ट बेस कैंप है, एक कैंप बना हुआ है, छोटा सा पार्क जैसा है। यहाँ पे एडवेंचर वगैरह के लिए सब कुछ है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो सर, एडवेंचर वगैरह के लिए है, छोटा सा पार्क है। लगभग पहुँच ही गए हैं। एंट्रेंस टिकट काउंटर भी आ गया है। अभी देखते हैं कितना क्या टिकट वगैरह लगता है, आपको फिर बताएंगे। देखो एंट्री गेट है, सर एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क में यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस टिकट काउंटर। चलो चलो आगे पता करते हैं। अभी लगभग 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे एक सिटिंग प्लेस था, थोड़ा बैठे हैं, अभी जाएंगे और ऊपर, वहाँ पे पूरा व्यू दिखाएंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है मसूरी में। जैसे कि आपको पता है ओटी मसूरी, ये सब अपने क्लाइमेट के लिए जाना जाता है और व्यूज़ के लिए। कितना शानदार व्यू मिलता है यहाँ से। बाकी ये कुछ प्रतीक क्या पकड़ा है दिखा था? पाइन का फूल है, पाइन का। अच्छा देख ले, सूखा हुआ है। ये रहा पाइन का पेड़ दिखा, और ये रहा पाइन का पेड़, इतना मोटा मोटा है, जहाँ से सूख के ये वाला गिरा हुआ है। एक अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, फिर आगे जाके आपको पूरा और अच्छे से पूरा व्यू दिखाएंगे। चलो ऑलवेज रेस्पेक्ट नेचर। देखो उस पार्क का बाउंड्री पहुंच गया है। बाकी थोड़ा व्यू देख लो दूर से, और भी आगे जाएंगे वहाँ तक, पूरा आगे तक जाएंगे ऊपर तक, वहाँ जाके आपको पूरा दिखाते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ये देखो, ये वाला जो पार्क के अंदर ये वाला एक घर है, अभी जाएंगे उसके अंदर भी। अभी थोड़ा और जाके ऊपर जाके पूरा देख के आते हैं कैसा व्यू है। अभी जाएंगे पूरा ऐसे जाके पूरा ऊपर तक जाएंगे वहाँ तक। वो टॉप है जो सर जॉर्ज एवरेस्ट हिल का सबसे टॉप वाला पॉइंट है, वहाँ पे भी जाएंगे, थोड़ा व्यू देख लो। तो इस जगह का तो व्यू देख लिया आप लोग। अभी नेक्स्ट वहाँ पे पूरा ऊपर टॉप पे जाएंगे, अभी जो पूरा टॉप व्यू लेने के लिए, वहाँ से बहुत ही शानदार व्यू मिलेगा जितना एक्सपेक्टेशन है। यहाँ से भी तो बहुत अच्छा आया। बाकी अभी चलो वहाँ पे भी चलते हैं। अपना मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप लोग भी देख, आप लोग आराम से देख लेना कितना शानदार फोटो आया है इस जगह पे। बाकी अभी चलो नेक्स्ट। भाई का टोपी उड़ गया। और वो एक भैया वगैरह यहाँ पे फोटो ले रहे थे, उनका टोपी ही उड़ गया। अभी जस्ट नया खरीद के लाए थे, थोड़ा उदास हैं वो लोग। चलो अभी चलते हैं। दोस्तों तो अभी हम लोग पूरा हाफ वे पहुँच गए, देख सकते हो वाला पूरा टॉप पॉइंट है, वहाँ पे अभी जाएंगे। और यहाँ पे कितना सही हवा चल रहा है यार, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। मतलब पूरा नेचर का सही मज़ा लेते हुए हम लोग इतना शानदार, मतलब जो ऑक्सीजन मतलब जो ले रहे हैं ना, कितना सही लग रहा है यार। ऐसा नेचर मतलब किसी को दे दो, मतलब वो पूरा लाइफ टाइम के लिए यहाँ रह लेगा आराम से। कुछ भी मतलब यहाँ पे बोरिंग होने के लिए कुछ है ही नहीं। इतना शानदार व्यू, ऊपर से ये जो हवा, कितना सही है। और ये वाला एक ऐसे ही छोटा सा व्यू पॉइंट था,
रुको आपको थोड़ा यहाँ से भी नज़ारा दिखा देते हैं नीचे का, देख रहे हो तो हवा कैसे चल रहा है, दिखाता हूँ रुको यहाँ से थोड़ा। वाला जो वाइट कलर का हाउस दिख रहा है ना, वो सब जो सर जॉर्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क है वही है जहाँ से हम लोग जो अभी आए। देखो कितना शानदार लग रहा है, पूरा पैलेस जैसा वो वाला पार्क है। तो अभी चलो आराम से ऊपर तक चलते हैं, ऊपर जाके और भी शानदार व्यू दिखाएंगे आपको, आप लोग पूरा एंजॉय करोगे इतना तो गारंटी है। ऊपर जन्नत देखने जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं जन्नत कहाँ है, देखते हैं कितना सुकून मिलेगा ऊपर जाके। लगभग हम लोग मलाना और मैजिक वैली ट्रैक के बाद ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैक हो गया हमारा। वहाँ का ट्रैक भी बहुत ही मेमोरेबल था, तब तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करता था, तो ब्लॉगिंग में ये पहला सबसे बड़ा ट्रैक है। देखो कैसे रास्ता गया हुआ है, पूरा बना हुआ है रास्ता, पर ये सीढ़ी चढ़ना अपने आप में भी एक चैलेंज है। जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं वैसे ये वाला ट्रक। सांस भी फूल रहा है, एक शानदार व्यू के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। चलो आप सब भी पूरा लास्ट तक देखो, तो वहाँ से पूरा टॉप का जो व्यू है आपको भी पूरा दिखाएंगे अच्छे से। थोड़ा सन को भी देख लो, देखो सब लोग कैसे स्ट्रगल करके पूरा ट्रैक कर रहे हैं, ऐसे ट्रैकिंग कर रहे हैं पूरा। तो अभी हम लोग भी पूरा ये वाला ट्रैक करेंगे, बहुत एक्साइटेड है। चलो आगे चल के दिखाते हैं आपको। देखो दोस्तों पूरा पहुंचने वाले हैं, पूरा लास्ट हो गया और लगभग और 200 मीटर के आसपास ही होगा। देखो हम लोग कहाँ से आए, पूरा वो नीचे से वो जो वाइट कलर का घर है वहाँ से पूरा आए, वो वाला पार्क है उसके और नीचे से हम लोग पहले तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आए थे, उसके बाद ये वाला ट्रैक। लेकिन जो बोलो जो व्यू वगैरह है यहाँ से ट्रैक करना वर्दी है, और बाकी इस तरह पहाड़ियों में आ रहे हो तो ट्रैक करना तो बनता ही है। चलो पूरा और भी ऊपर चलते हैं, थोड़ा लंबा रूट पड़ गया ये वाला, पर कोई बात नहीं, सेफ रूट था। थोड़ा ट्रैकिंग में डिफ़िकल्टी हो रहा है क्योंकि हम लोग तो प्लेन एरिया से आते हैं, इस तरफ का ट्रैकिंग वगैरह हमको आदत नहीं है, तो समझ सकते हो आप लोग। बाकी चलो ऊपर चल के आपको दिखाते हैं आराम से व्यू। तो ऐसे रास्ता गया हुआ है ऊपर तक, यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये पूरा हम लोग पूरा भी जो सर जॉर्ज एवरेस्ट पीक में है, पूरा ये पूरा टॉप ऑफ द हिल है, सबसे हाईएस्ट पीक है मसूरी का वैसे। और आप लोग पूरा अभी तो मैं पूरा व्यू वगैरह डाल दिया था, पूरा आप लोग देखे होगे कितना शानदार पूरा प्यारा व्यू है यहाँ का।
अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा कमेंट में बताना कितना शानदार व्यू है। और बाकी लगभग एक डेढ़ घंटे का ट्रैक था, हम लोग 12:45 में शुरू किए नीचे से, अभी टाइम हो रहा है 2:14, तो आप लोग एस्टिमेट कर सकते हो डेढ़ घंटे के आसपास कि ये ट्रैकिंग था। बाकी बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, देख पा रहे हो तो वल्चर एक्सपोर्ट हुआ। वाव, ऐसा किस्मत में ही मिलता है इतने टॉप से, उसके ऊपर भी ये, हम लोग उसके ऊपर है। तो कुछ ऐसा था सर जॉर्ज एवरेस्ट पीक, और वो जो पार्क तो आप लोग पूरा देखे नीचे, हमारे यहाँ से भी स्पॉट हो सकता है वो वाला पार्क। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे मसूरी का, ये और भी बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करना है मसूरी का, जैसे कि बहुत 3-4 वाटरफॉल है यहाँ पे, वो सब भी हम लोग जाएंगे, सब कुछ प्लान में है। आप लोग बस वीडियो देखते रहो, आप लोग का काम तो बहुत ही आसान है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, और वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखा करो, बहुत ही मेहनत लगता है। देखो कितने ऊपर हम लोग खड़े होके बिल्ली, थोड़ा डेप्थ देख पा रहे हो तो, कैमरा में जितना पता चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा, रियल आई में देखो तो डेप्थ पता चलेगा। बाकी चलो, और यहाँ का जो फेमस फ्लैग होता है वो दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये वाला जो फ्लैग उठ रहा है, ये यहाँ का इस तरफ नॉर्थ इंडियन में ये बहुत ही फेमस है, सारे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में ये वाला फ्लैग मिलेगा, जो कि आजकल जो सब बाइकर वगैरह भी होते हैं ना, वो सब भी उसमें आगे गाड़ी के आगे लगा के चलाते हैं, इस तरफ देख सकते हो। बाकी चलो आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मिलते हैं मसूरी में, चलो फिलहाल बाय।